स्वेट मॉडर्न की पुस्तक सफलता की कुंजी। अगला नियम निरंतरता। प्रत्येक समझदार मनुष्य इस बात को जानता है कि सुख या दुख क्षणिक होता है। वह इस सत्य को जानता है कि मनुष्य का जीवन एक समान नहीं रहता है, उसमें बराबर उतार चढ़ाव बना रहता है। वह न सुख में खुश होता है और न दुख में दुखी। वह हमेशा अपनी एक सी दशा बनाए रखता है। इसके विपरीत दुख में जो उदासीन हो जाते हैं, रोनी सूरत बना लेते हैं और दुनिया भर में अपना दुखड़ा रोते फिरते हैं, क्या वे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति कायर होते हैं, उनमें किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं होती। आप पर दुख आ गया या कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, क्या आप बता सकते हैं कि वह आपके रोने से खत्म हो जाएगा, आपके उदास होने या मुख लटका लेने से हट जाएगा? ऐसा तो इस जीवन में कदापि संभव नहीं है। तब दुख के क्षणों में प्रसन्न क्यों नहीं रहना चाहिए? यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है और इस बात को देखा आजमाया भी गया है कि जो लोग प्रसन्नता के साथ दुख का सामना करते हैं, उनके दुख शीघ्र दूर हो जाते हैं, जबकि उदासीन या मुंह लटका कर रहने वालों के दुख काफी समय तक बने रहते हैं। एक प्रकार से यह वैज्ञानिक सत्य भी है। अतः जीवन में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो दुखों में भी मुस्कुराना और अपना चेहरा हंसमुख रखना सीखिए। किसी को इस बात का पता भी न चले कि आप दुखी हैं, आपको कोई दुख है। मान लें इस समय आपके पास एक भी पैसा नहीं है, क्या आपके दुख करने मुंह लटकाने से पैसा आ जाएगा? नहीं आ सकता। तब आपको लाभ क्या है? आप किसी पर भी महसूस न होने दें कि इस समय आप ऐसी दशा में हैं। पैसा पैदा करने का यत्न करें, प्रसन्नता के साथ रहें। मुंह लटकाने से लोग आपकी हालत जान जाएंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। इस कारण दुख में भी प्रसन्न रहना आपका एक गुण होना चाहिए। इस गुण के कारण कभी किसी को इस बात का पता ही न लग पाएगा कि आप किसी दुख में हैं या नहीं। इस प्रकार आपको लोग सदा प्रसन्न देखकर समझेंगे कि आप जैसा सुखी दूसरा नहीं है। आप अपना दुखी चेहरा दिखलाकर वास्तव में दूसरों के उपहास का माध्यम बनते हैं। अधिक से अधिक यही होगा कि लोग आपके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करके यही कहेंगे कि बेचारा बड़ा दुखी है। इससे अधिक तो कोई कुछ आपके लिए नहीं कर सकता। जब आप वर्तमान में जानते हैं कि यह दुख आपको भोगना ही है, आपके अलावा कोई और इसका भागी नहीं बन सकता है, तो फिर आप इसके लिए अपना चेहरा लटकाते क्यों हैं? आप अपनी सूरत रोनी क्यों बनाते हैं? इस प्रकार करने से तो आपका दुख और बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आपका मन निराशा से भर जाएगा, आपकी कार्यक्षमता भी कम हो जाएगी। जो दुख दो दिन में कटने वाला होगा, वो आपकी इस हरकत से चार दिन में कटेगा। अपने रोने सूरत बनाकर दुख उदासीनता प्रकट कर आप अपने दुख का समय बढ़ा लेते हैं। आप दुख या प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना चेहरा उदास कर लेते हैं, अपना मन छोटा कर लेते हैं और निराशा से भर कर रह जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है इसमें नुकसान किसका होता है? ऐसा करके आप स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अपना नुकसान और ज्यादा कर लेंगे। क्या जो कुछ हो चुका है, गुजर चुका है, आपके दुख करने से बन सकता है? जब नहीं बन सकता है तो फिर आपको क्या लाभ है? इसलिए जो भी संकट आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आए, अपना मन सदा प्रसन्न रखना चाहिए। किसी को इस बात का एहसास तक न हो कि आप इस समय दुख या किसी प्रकार की मुसीबत में हैं, तब आप देखेंगे कि वह संकट बहुत जल्दी आपके पास से चला जाता है। जब आप संकट को महसूस करेंगे तो वह जमा रहेगा। जितना महसूस करेंगे उतना ही वह रहेगा। संकट या दुख अथवा आ गई किसी परेशानी को देखकर महसूस कर घबराना नहीं चाहिए, वरन होंठों पर मुस्कान रख सब कुछ झेलना चाहिए। मजा तो तब है जब इस प्रकार की स्थिति आने पर तेजी से दुगुने परिश्रम से कार्य शुरू कर दिया जाए। प्रसिद्ध दार्शनिक कार्लाइल का कहना है कि कुछ लोग जीवन पर कंगाल बने रहने, दुख उठाने के लिए ही पैदा होते हैं। ऐसे लोग केवल अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, वरन अपने आसपास के लोगों को
अपना दुखड़ा सुना सुना कर, अपनी हालत दिखला दिखला कर उदासीनता निराशा उत्पन्न करते हैं। अपने आसपास के लोगों को भी हतोत्साहित करके वो एक प्रकार का मानसिक जहर फैलाते हैं। अपने मिलने जुलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में अंधकारमय निराशाजनक विचार पैदा करते हैं। इस प्रकार वह अपने उदासी का भयावह अंधकार प्रत्येक व्यक्ति के मन में फैलाते हैं। उनको कुछ ऐसा विश्वास हो जाता है कि आनंद नाम की वस्तु उनके लिए नहीं बनी है। उदासी किसी भी प्रकार से उनके मन से नहीं जाती है। ऐसे व्यक्ति सदा निराश ही बने रहते हैं। यह सब उनका वहम होता है। उनको अपनी वास्तविक शक्ति और क्षमता का ज्ञान नहीं होता। सच तो यह है कि कोई मनुष्य इस दुनिया में दुखी या दरिद्र बने रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। न किसी को अपने उदासी निराशा का अंधकार फैलाने का अधिकार है। परमात्मा कभी यह नहीं चाहता। उसने केवल एक व्यवस्था बना रखी है, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे वो भोगोगे। इस व्यवस्था के कारण जैसा आप करते हैं वैसा आप फल पाते हैं। तब इसमें दुख करना और रोना किस काम का? अगर दुख या कोई कष्ट आपको आया है तो क्या वह अपने आप आया है? किसी ने आप पर आरोप थोप दिया है? आपके दोनों आरोप गलत हैं। सब अपनी वजह से हुआ है। जो भी संकट दुख आता है इस बात का अपना तटस्थ विवेचन कर आप स्वयं जान सकते हैं। एक व्यक्ति को आपको निश्चित तिथि पर कार्य करके देना है और वो तुरंत आपको भुगतान करने पर राजी है। उसी दिन उसका बाहर जाने का भी कार्यक्रम है। अगर आप उस दिन कार्य पूरा करके न दें तो फिर भुगतान रुका, व्यक्ति भी बाहर। अब आप दुख उठाते हैं तो इसमें दोष किसका है? हर प्रकार का जो भी परिणाम सामने आता है उसके लिए आप ही उत्तरदायी हैं। इस कारण अपने ही फल पर आप दुखी निराश क्यों होते हैं? आपका अपना ही कर्म तो सामने आया है। आपको उदास निराश होने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा हमने बोया वैसा फल आया। अतएव जीवन में जब भी निराशा या उदासी के क्षण आए तो उनको मन पर अपना प्रभाव न डालने दे। सब अपना ही परिणाम मानकर प्रसन्नता के साथ उसको झेले। प्रायः बहुत से लोग उदास और निराश होने पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, मक्खियां मारने लगते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। इस प्रकार कभी भी नहीं करना चाहिए। दुख और उदासीनता व निराशा को भूलकर आगे बढ़ें। प्रगति के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। तो यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।